जब सलमान खान और जैकलिन फर्नांडिस एक साथ नजर आए थे तो जुम्मे की रात आई थी और हम इनके वार से बच नहीं पाए थे और अब ये वार दोबारा होने जा रहा है कंटिन्यू राधे में। यस वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूं ज्योति नाहक। राधे का बस बहुत ज्यादा है, राधे में दिशा पाटनी है, प्रभु देवा डायरेक्ट कर रहे हैं, रणदीप हुड्डा एज एन एंटागनिस्ट कैरेक्टर नजर आने वाले हैं, गौतम गुलाटी भी एक स्पेशल रोल में नजर आने वाले हैं और मोस्ट वॉन्टेड भाई बनकर ऑफ कोर्स हमारे सलमान खान नजर आने वाले हैं। लेकिन इन सब के अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर ऐड हो गया है और वो है जैकलिन फर्नांडिस। जी हाँ, अरे अरे, एज अ कास्ट मेंबर ऐड नहीं हुई है लेकिन एक बड़ा ही स्पेशल ट्रैक, यस, एक बड़ा ही स्पेशल सॉन्ग के लिए टीम अप हुई है जैकलिन फर्नांडिस राधे की टीम के साथ, सलमान खान के साथ, और ये दोनों डांस करते नजर आएंगे। एक डांसिंग नंबर क्रिएट किया जाने वाला है। अब भाई जैकलिन को और सलमान को एक साथ डांस करते देखना किसी ट्रीट से कम नहीं है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस। एंड आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि आपको जैकलिन और सलमान की जोड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है या दिशा और सलमान की, कॉमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल मूवीज अड्डा को। मैं हूँ ज्योति नाहक, साइनिंग ऑफ। सलमान किसी फिल्म की अनाउंसमेंट करें और उससे धमाका ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। और हाल ही में जब किक 2 कंफर्म की गई, साजिद नाडियाडवाला ने जब कंफर्म किया कि किक 2 इज वेरी सून गोइंग टू बी ऑन द फ्लोर्स, तो डेफिनेटली फर्स्ट क्वेश्चन तो यही था, ऑफ कोर्स डेविल तो नजर आने ही वाला है, देवी हमें नजर आने वाला है, लेकिन एक्ट्रेस कौन होगी? एनी गेसेस? वेल, काफी नाम सामने आए कि जैकलिन फर्नांडिस हैज बीन लॉक्ड फॉर द रोल, लेकिन अब ये रूमर्स भी आ रहे हैं कि एक्ट्रेसेस कंपीट कर रही हैं सलमान के ऑपोजिट किक 2 में अपना रोल पाने के लिए। और जैकलिन तो है ही लाइन में, लेकिन उसके बाद पूजा हेगड़े का नाम भी सामने आ रहा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सोर्सेस पूजा हेगड़े का कॉन्ट्रैक्ट है साजिद नाडियाडवाला एंड ग्रैंडसन्स के साथ, यानी कि नाडियाडवाला ग्रैंडसन्स के साथ उनका एक कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर 3 फिल्म्स वो उनके साथ ही करेंगी, विच अगेन हाउसफुल 4 हैज बीन ऑलरेडी डन एंड मोहनजोदड़ो देन। बट अब अगर बात की जाए किक 2 की, तो डेफिनेटली पूजा का नाम भी सामने आ रहा है, पूजा हेगड़े का नाम। अब बाकी वक्त आने पर पता चलेगा कि जैकलिन बाजी मारती हैं या फिर पूजा हेगड़े। आप लेकिन सलमान के ऑपोजिट पूजा या जैकलिन किसको देखना चाहेंगे? चॉइस आपकी है, कॉमेंट सेक्शन में बताइए। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा हमारे चैनल मूवीज अड्डा को। मैं हूँ ज्योति नाहक, साइनिंग ऑफ। परसों यानी कि 30th of November को मुन्ना बदनाम हुआ और इस कदर बदनाम हुआ है कि अभी तक ट्रेंड कर रहा है। यस वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त ज्योति नाहक। सलमान खान की फिल्म दबंग 3 बहुत जल्द रिलीज होने वाली है 20th December को, कुछ ही दिन बाकी है। ऐसे में मुन्ना बदनाम ट्रैक का काफ़ी ज़्यादा इंतजार था लोगों को, क्योंकि अभी तक मुन्नी बदनाम हुई थी लेकिन अब उसका तोड़ आ गया है, मुन्ना बदनाम हुआ है। सलमान खान एज एन आइटम बॉय नजर आ रहे हैं। जब सॉन्ग आया था तभी सबको बहुत पसंद आया, सलमान और प्रभु देवा की फेस ऑफ देखने को मिली और अब ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है ये सॉन्ग। 2 दिन हो चुके हैं इस गाने को आए हुए लेकिन अभी भी ये गाना सोशल मीडिया पर हर जगह ट्रेंड कर रहा है। आपको कितना पसंद आया ये गाना कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल मूवीज अड्डा को। मैं हूँ ज्योति नाहक, साइनिंग ऑफ। कितने ही बड़े से बड़े सेलिब्रिटी हों लेकिन हर इंसान के लिए अपने माता पिता की राय बहुत मैटर करती है और यहाँ पर सलीम खान साहब की मैं बात कर रही हूँ। सलमान खान की बहुत जल्द दबंग 3 आने वाली है, उसके बारे में जब पूछा गया कि दबंग के ट्रेलर को लेकर, फिल्म को लेकर सलीम खान सर की क्या राय थी, क्योंकि अरबाज भी इससे जुड़े हुए हैं इस फिल्म से, तो उन्होंने कहा कि पापा जो हैं वो यूजुअली ज़्यादा क्रिटिकली बताते नहीं हैं फिल्म के बारे में, ज़्यादा बात नहीं करते हैं हमसे, ना ही अपना कोई पॉजिटिव ओपिनियन बार बार हमसे शेयर करते हैं कि फिल्म बहुत अच्छी है, बेमतलब की बड़ाई नहीं करते हमारे साथ, लेकिन हाँ अगर उन्हें कोई चीज़ गलत लगती है तो ज़रूर कहते हैं। ऐसे में सलमान खान ने कहा कि उनके फादर ने दबंग 3 को लेकर उनसे कहा, इस फिल्म पर ज़्यादा प्रेशर मत लो, इस फिल्म के बारे में ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, ज़्यादा सोचो मत इस फिल्म के बारे में, इसको छोड़ दो, अगली फिल्म पर ध्यान दो। अगर ये फिल्म पिट जाती है तो भी दिमाग पर मत लो, अगर ये फिल्म हिट हो जाती है तो भी इसकी सफलता को दिमाग पर मत लो, अगली फिल्म के लिए मेहनत करो। कहीं ना कहीं उनके कहने का मतलब ये जरूर था कि कर्म किए जाओ और फल की चिंता मत कर, फिल्म्स करते रहो, अच्छा काम करने की कोशिश करो, लेकिन सफलता की या फिर रिवॉर्ड या अवार्ड की तुलना या एक्सपेक्टेशन मत रखो, जनता पर छोड़ दो उन्हें फिल्म पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, और आप सिर्फ और सिर्फ अगली फिल्म पर काम करने का, अगली फिल्म में और ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करो। तो ये राय दी सलीम सर ने, आप इससे कितना सहमत हैं? कमेंट सेक्शन आपका है, जाकर बताइए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा हमारे चैनल मूवीज अड्डा को। मैं हूँ ज्योति नाहक, साइनिंग ऑफ। हेलो
हेलो गाइस, दिस इज ज्योति नाहक एंड वेलकम टू मूवीज अड्डा। वेल, कल शंकरा रे शंकरा का टीजर आया था और टीजर आते ही मैंने कहा था कि ये बहुत ही खूबसूरत टीजर है। अजय देवगन काफी पावर पैक मोड में नजर आ रहे हैं। अब इस गाने को पूरा रिलीज कर दिया गया है यूट्यूब पर, ये सॉन्ग आ चुका है फाइनली, जहाँ पर हम अजय देवगन को फुल ऑन यू नो पेट्रियाटिक वाइब्स में देख रहे हैं। जब आप अपनों के लिए लड़ते हैं, अपने साम्राज्य के लिए लड़ते हैं, वो तानाजी मालुसारे का वो जो एक ऑरा था वो अजय देवगन में साफ साफ नजर आ रहा है। साथ ही साथ अजय देवगन एक अलग ही यू नो ऑब्वियसली जिस डायलॉग से शुरू है, दुश्मन को मारने से पहले उसे देखना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं फुल ऑन जो वॉर का योद्धा की जो एक फीलिंग होती है ना कि लड़ाई पर जाने से पहले योद्धा कैसा फील करता है, या लड़ाई पर जाने से जाते वक्त योद्धा के अंदर क्या क्या इमोशंस होते हैं, क्या जज्बात होते हैं, वो सब इस गाने में भरपूर नजर आ रहा है। और साथ ही साथ अजय देवगन पूरी तरीके से डांसिंग फॉर्म में हमें दिखाई दे रहे हैं, जो कि थोड़ा सा वियर्ड है बिकॉज अजय देवगन डज नॉट लाइक टू डांस एट ऑल, लेकिन इस पूरे गाने में अजय देवगन ज़्यादातर डांस करते नजर आ रहे हैं। काफ़ी ऑथेंटिक सा सॉन्ग है, काफ़ी फोक फील देता हुआ ये गाना है, एंड आई एम श्योर कि ये यू नो आमची मुंबई के लोगों को, महाराष्ट्रंस को, हम लोगों को बहुत पसंद आने वाला है ये गाना। आप लोगों को लेकिन कितना पसंद आया, जो व्यूअर्स देख रहे हैं इस वीडियो को, आपको गाना कितना पसंद आया और तानाजी के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड है, ये भी कॉमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर मुझे बताइएगा। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल मूवीज अड्डा को। मैं हूँ ज्योति नाहक, साइनिंग ऑफ। ऑडियंस की पुरजोर फरमाइश पर सिडनास को रोमांस तो करवाया गया और इनका इश्क वाला लव का जो अंदर का इमोशन था वो भी बाहर लाया गया बिग बॉस के वीकेंड कवार पर। यस, वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त ज्योति नाहक। सिडनास को ऑडियंस बेहद पसंद करती है, ये हम सभी जानते हैं। जब सिड्रा यानी सिद्धार्थ और रश्मि का वीडियो जब आया था, प्रोमो वीडियो रिक्रिएट किया गया था, वहां पर ऑडियंस को पसंद तो आया, काफी ज्यादा उनकी केमिस्ट्री लोगों को काफी सिजलिंग लगी, लेकिन साथ ही साथ ऑडियंस जो है वो बहुत ज्यादा डिमांड कर बैठी कि उन्हें सिद्धार्थ और शहनाज को एक साथ देखना है, सिडनास को एक साथ देखना है। अब ऐसे में बिग बॉस के घर में रिक्रिएट किया गया इस वीडियो को और इनका इश्क वाला लव, इश्क वाला ट्रैक जो कि ऑडियंस ने डिसाइड करके भेजा था, इश्क वाला लव, और उस गाने पर जब ये दोनों डांस करते नजर आए, एक दूसरे के साथ वो प्रोमो वीडियो रिक्रिएट करते नजर आए, तो बेहद खूबसूरत लग रहे थे। और खूबसूरत के साथ साथ एक और चीज़ होती है ना कि सिद्धार्थ जिस तरीके से शहनाज को ट्रीट करते हैं, लिटरली पैम्पर करते हैं, बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं, जो शहनाज खुद भी मानती हैं, तो वो सारा सब कुछ मिलाकर ना एक क्यूट फील आता है उन दोनों को देखकर, एक क्यूट मोमेंट नजर आता है दोनों के बीच में, और वही हमें देखने को मिला। और ऑडियंस इस वीडियो से बेहद खुश है, सोशल मीडिया पर हर कोई बात कर रहा है इस वीडियो के बारे में, और सभी लोगों को सिडनाज का ये वीडियो सिड्रा के वीडियो से और माहिरा और विशाल के वीडियो से हज़ार गुना ज़्यादा बेटर लगा, ऐसा ऑडियंस का कहना है। और कहीं ना कहीं शहनाज और सिद्धार्थ की जो जोड़ी है वो छा गई है सोशल मीडिया पर और छा गई है बिग बॉस के घर के अंदर। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल मूवीज अड्डा को। मैं हूं ज्योति नाहक, साइनिंग ऑफ। सभी बिग बॉस फैंस और सलमान खान फैंस के लिए है एक बुरी खबर, क्योंकि मैं भी सलमान खान फैन हूँ, मैं भी बिग बॉस फैन हूँ, तो मेरे लिए भी एक बुरी खबर है, और वो क्या है चलिए बताती हूँ। वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त ज्योति नाहक। बिग बॉस एक्सटेंड हुआ है, अच्छी खबर है। बिग बॉस टीआरपी में छप्पड़ फाड़ के आगे निकल गया है, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बात अच्छी नहीं है कि सलमान खान जो है वो शायद आगे के सफर में साथ नहीं रहेंगे। यस, वेल डेट्स की प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि बिग बॉस ऑडियंस डिमांड पर एक्सटेंड किया गया है, ऐसे में डेट्स का इशू हो रहा है सलमान खान के साथ, क्योंकि उनकी राधे जो है वो उस दौरान शूट की जा रही होगी और वो शायद यहाँ नहीं होंगे उस वक्त, वो कहीं बाहर शूट कर रहे होंगे, जिसके वजह से उन्हें रिप्लेस करेंगी फराह खान कुंदर। जी हाँ, वेल आई नो फराह मैम इज डेफिनेटली अ वेरी गुड होस्ट, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि बिग बॉस सलमान के बिना इमेजिन करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सलमान खान है तो ऐसा लगता है कि तो शायद बिग बॉस है, अगर सलमान नहीं है तो बिग बॉस भी नहीं है, ऐसा फील होता है हर बार। और सलमान को वीकेंड का बार पर ना देख पाना अपने आप में बहुत शॉकिंग चीज़ है, अपने आप में इट फील्स वेरी बैड। सो कहीं ना कहीं रियली 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 नॉट लाइकिंग दिस थिंग, बट स्टिल फराह मैम के लिए भी बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि वो आती हैं तो एंटरटेनमेंट और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। सो आपका इस न्यूज़ पर क्या रिएक्शन है, हैप्पी या नॉट हैप्पी, कॉमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइए, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल मूवीज अड्डा को। मैं हूँ ज्योति नाहक, साइनिंग ऑफ।
सलमान खान और उनका नो किसिंग क्लॉज तो पूरी इंडस्ट्री में फेमस है, लेकिन हाल ही में उन्होंने स्टेज पर सबके सामने एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर से किस मांगे। जी हाँ, ये तब हुआ जब भूमि कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे के साथ सलमान खान के कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस 13 के वीकेंड का वार सेगमेंट में मेहमान बनकर आई। ये तीनों अपनी फिल्म पति पत्नी और वो को प्रमोट कर रहे थे और इसी दौरान तीनों ने घर वालों के साथ एक फन टास्क भी किया। साथ ही तीनों ने स्टेज पर होस्ट सलमान खान के साथ भी खूब एंजॉय किया। एक ऐसे ही मजेदार टास्क के दौरान सलमान खान ने इन तीनों के साथ डम शरीड्स भी खेला और इसी खेल खेल में सलमान ने भूमि से कहा, आई वॉन्ट टू किस यू। अब भूमि, जो अब तक सब कुछ गलत गेस कर रही थी, अचानक से सही गेस करने लगी और ये देखकर सभी मौजूद लोग अपनी हंसी रोक नहीं पाए। वेल, ऑल इन ऑल पति पत्नी और वो की टीम के आने से बिग बॉस 13 के वीकेंड का वार सेगमेंट में भी चार चांद लग गए और इस धमाकेदार एपिसोड को बिग बॉस फैंस ने दिल खोलकर एंजॉय भी किया, इतना कि एपिसोड के कई क्लिप्स भी वायरल हो गए। तो सलमान खान और भूमि पेडनेकर की इस क्यूट फ्लर्टिंग क्लिप देखकर आपको कैसा लगा, हमें बताना न भूलें।